आज आरपीएफ कडून मोतीबाग येथे शहीद बांधवाच्या स्मरणार्थ रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. माननीय श्री दीपचंद्र आर्यमंडल सुरक्षा आयुक्त आरपीएफ नागपूर एसईसीचे मार्गदर्शनात आयोजन केलं गेलं होतं. ये रक्तदान हम आज का जो रक्तदान शिविर है, जो हमारे शहीद हुए हैं, हमारे साथी लोग, हमारे बल सदस्य, उनकी स्मृति में रखा गया है ताकि हम उनको याद भी करें और उनको उनकी याद के तौर पर हम अपना रक्तदान करके कुछ ऐसी जानों को बचाने में हमारा रक्त काम आए जिनको उसकी ज़रूरत हो. साथ ही यह एक, जैसा आपने अभी कहा कि यह इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई दान नहीं है, और हमारे जवान अनुशासित रहकर अपने स्वतः ही इसके लिए प्रेरित हैं और आ रहे हैं. अभी तक लगभग 60 के लगभग लोगों ने रक्तदान किया है और स्वयं मैंने भी किया है, तो मैं भी इनमें शामिल हूँ अपने जवानों में. तो एक बहुत अच्छी अनुभूति है. हम यह कार्यक्रम आगे भी जारी रखेंगे जब भी समय समय पर, और इसमें जीवन ज्योति के डायरेक्टर साहिबा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि यह समय समय पर हमें यहाँ साथ देते रहते हैं और आगे भी हम लोग इस तरीके से आयोजित करते रहेंगे. मैं डॉक्टर शीला मुंदड़ा, जीवन ज्योति ब्लड सेंटर की मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ, और आरपीएफ की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन समय समय पे होते रहता है और अत्यंत सुंदर कार्यक्रम रहता है जिसमें अनुशासन का पूरा ख्याल रखते हैं और लोगों का प्रवाह बहुत स्मूथली आते रहता है और बिना किसी आवाज़ और बिना किसी लाइन को तोड़ते हुए लोग आराम से रक्तदान करते हुए जाते हैं. इतने सुंदर प्रयास के लिए मैं इनको बहुत बहुत आरपीएफ को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और शुक्रिया करती हूँ कि ये एफर्ट्स लेके उन्होंने जो ये ऑर्गेनाइज़ किया है रक्तदान शिविर. बड़ा महत्वपूर्ण शिविर है क्योंकि इसकी वजह से, जैसा कि आपने बताया, बहुत लोगों की जान बचती है और लोगों को समय पे जब रक्त मिल जाता है तो आप अंदाज नहीं लगा सकते उनको कितनी राहत मिलती है. इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन कर रही हूँ. आरपीएफ के हर एक व्यक्ति का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप रक्तदान करके रक्त पेढ़ियों की भी मदद कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली आप लोगों की भी मदद कर रहे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद.